करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन दिया। दरअसल 15 दिन पूर्व भूतपूर्व सैनिक के साथ हुई मारपीट के मामले में अब मामला धीरे धीरे गर्माता जा रहा है। दरअसल रविवार को भूतपूर्व सैनिक ने कलाक्षर का घेराव कर ज्ञापन दिया। वहीं करनी सेना के द्वारा लगातार प्रदर्शन भी किया जा रहा है और इसी के चलते सोमवार को चावर चौक से पैदल देवास रोड स्थित आईजी बंगले पर पहुंचकर करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने आईजी को ज्ञापन सौंपा है और साथ ही हाथों में तख्तियां बैनर लिए नारेबाजी करते हुए करनी सेना के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में प्रदर्शन करते हुए नजर आए। यहां पर करनी सेना के पदाधिकारी शैलेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व सैनिक रवि भदौरिया के साथ माधोनगर और नानाखेड़ा थाना पुलिस द्वारा मारपीट कर FIR भी दर्ज की गई थी और जिसको देखते हुए सोमवार को उज्जैन रेंज के IG को ज्ञापन सौंपा है और साथ ही दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग भी की है। उज्जैन में भूतपूर्व सैनिक के साथ पुलिस द्वारा की गई मारपीट का मामला लगातार गर्माता ही जा रहा है और पुलिस पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर लगातार सामाजिक संगठन विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। एक सप्ताह पहले करनी सेना के सैकड़ों सदस्यों ने पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव किया था और रविवार को भूतपूर्व सैनिक के दल ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया है। सोमवार को बड़ी संख्या में करनी सेना के सदस्यों ने IG कार्यालय का घेराव कर दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर ज्ञापन दिया है। की नगरी उज्जैन में विकास दलों की घटना घटती है जिसमें पूर्व सैनिक रवि भदौरिया के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा अभद्रता की जाती है, मारपीट की जाती है, विवाद वहीं खत्म हो जाता है, FIR दर्ज हो जाती है, उन पर कार्रवाई हो जाती है। लेकिन महेंद्र नकाशे जो माधव नगर थाने के SI है, उन्होंने थाने में ले जाकर न्यायपालिका से बढ़कर उनकी वहाँ पिटाई की है, जिसका मेडिकल सबूत है जो कोर्ट के द्वारा किया गया है। हम लोगों यहाँ मांग के लिए उपस्थित हुए हैं IG साहब के पास कि तत्काल प्रभाव से महेंद्र नकाशे को निलंबित करें, तभी हम यहाँ से उठेंगे, अन्यथा हमारा धरना जारी रहेगा और अगर हमें यहाँ से उठाने की कोशिश की गई तो ये आंदोलन बड़ा रूप लेगा।